विशिष्ट अभिनेता स्वर्गत अजित दास को हाथ गढ़ा अनुष्ठान अभिनय जागृति इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर पक्षर आसंता कालिठू आरंभ होउछि 11तम अजित नाट्य महोत्सव। आज यूनिट 5 कर्मचारी भवन ठारे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे अनुष्ठान पक्षर सूचना दिया जाइछि। अजित कर 23तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर रे जनवरी 16 रु 19 तारीख पर्यंत 4 दिन व्यापी 4टी नाटक 3टी भाषा रे रविंद्र मंडप ठारे अनुष्ठित हेबो। प्रति संध्या 6:15 रे नाटक मंचस्थ हेबो। प्रथम संध्या रे स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंको काव्य को आधार करी डॉक्टर विजय मिश्रंको नाट्य रूप एवं अजित दासको निर्देशन रे अजित ग्रुप कलाकार ओडिसा नाटक तपस्विनी मंचस्थ करिवे। सेहिपरि द्वितीय संध्या रे राजीव वर्धनको निर्देशन रे बेंगोली नाटक झलकारी बाई। तृतीय संध्या रे अरविंद सिंह को निर्देशन रे हिंदी नाटक उड़ी फुस रेस्को एवं शेष तथा चतुर्थ संध्या रे विशिष्ट लेखक प्राणबंधु करंक रचित एवं जगदीश निर्देशित ओडिसा नाटक अशांत प्रदर्शित हेबो। एनी आज सांबादिक सम्मेलन रे अजित्र सभापति डॉक्टर माया दास संपादक सागर पटनायक मनोसिनी दास अभिनेता अमन उपेंद्र पति प्रमुख उपस्थित रही सूचना देथले। नमस्कार मो अभिनय जागृति इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर अजित्र मो हचि प्रेसिडेंट आज आम गोटे प्रेस मीट डाकिछु जे आमर काली ठू हम फेस्टिवल 4 दिन पाई काली हम गंगाधर मेहर रचित तपस्विनी ताको ड्रामाटाइज करछंती विजय मिश्र तापर दिन हम ओडिपस रेक्स बेंगली नाटक तापर दिन हिंदी नाटक तार नाँ हूँ झलकारी बाई से दिल्ली रु आसंक डायरेक्टर होती अरविंद सिंह तापर दिन अशांत बोली ओडिया प्लेटा आमर स्टेज सबु रवींद्र मंडप रे 16 तारीख रु 19 तारीख केते दिन को तारीख को देखो 16 तारीख रु 19 तारीख तो 4 दिन उद्देश्य कोन है आज्ञा हमरो सार बंचित ला बेलु हमें करी आछु एटा 11 नंबर फेस्टिवल। मो ना होछ मनीषिता दास मो होछ अजित दास का सबुट सानो जियो कौन तो आज जो अजित दास हम कौन कविता नाटक तू नाटक करियो रविंद्र मंडल का कौन करियो पापा को प्रत्येक वर्ष जन्मदिन रे सब स्टूडेंट माने मिसी की नाटक प्रस्तुत करू हम सब वर्ष आउ मु सीरियसली थैंक यू कहि पापा गदा पर गोटे शॉक रे हम माने तो कई छिड़ा भी पालु बट स्टूडेंट्स माने के बेले पछु को जाय ना कि पछ से माने सब बेले भाबी छथि केते के नाटक प्रस्तुत करे प्रत्येक वर्ष आज पर्यंत बंद भी करना तो मे भी 4 वर्ष पर मु आसी साहाज्य करिया को आ पापा तो जहां किछ सिखि छ हम चेष्टा कर तो रिक्रिएट करि के ना प्रस्तुत करबा पे ए नाटक करे रो उद्देश्य कोन कोन पापा को पहुंचे रखबा पे जहां सिखि छु ताको हम रिक्रिएट करि के समस्त पापा को पहुंचे बा पे चेष्टा एना कोटे हो केते दिन हो एटा कोटे थिएटर फेस्टिवल 4 दिन रो तो प्रथम दिन हो छि तपस्विनी जोटा अभिनय जागृति इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर तरफ रो बाकी 3 दिन अलग लैंग्वेज रो हबो आ एटा रविंद्र मंडप रो रविंद्र मंडप रे हबो 16 रु 19 तारिख पर्यंत अबे एंट्री के जो रखन कि लोक जे हमें एंट्री फेंट कि पैसा पत्र कि ठीक है ना फ्री एंट्री अछि संध्या 7:00 रु आरंभ हबो छि प्लीज आसीबे देखिबा। नमस्कार जो परिचय जानते मुझे नाटक लोकटा सिनेमार लोकटा जो परिचय जानते सठी कथा हूँ आप समस्त डाकबार उद्देश्य हूँ कि अजित नाट्य महोत्सव 11तम अजित नाट्य महोत्सव मो गुरु ओडिशार असंख्य कलाकार गुरु अजित सा जन्मतिथि सब अजित नाट्य अनुष्ठान गोटे नाटक करूँ विगत 11 वर्ष से फेस्टिवल से कर तो आम समस्त मिस फेस्टिवल करूँ सार को जो उद्देश्य था जो ओडिशार जो नोभेल अच्छे मौलिक कथावस्तु कहानी अच्छे नहीं कि से ड्रामाटाइज करते जमी बहुत सारा नाटक आप देखते बुढ़ा सुंदरी मौला जन्न रेपी बहुत सारा नाटक जिते गंगाधर मेहर 150वां जन्म जयंती आसा ओडिशा सरकार तरफ सार को कहगल नाटक करपस्वी ड
ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାକୁ ଡ୍ରାମାଟାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ନଜିର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ 2014 ପୁଣି ଥରେ ସେ ନାଟକକୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ନାଟକକୁ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମାନେ କାଲି 16 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଆମେ କରୁଛୁ ଅଜିତ୍ର ନାଟକ ଦେବାଶୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ କଲିକତାର ଗୋଟେ ନାଟକ ଆଣିଛୁ, ଥାର୍ଡ ଶୋରେ ଡେଲିରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆଣିଛୁ ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ, ଫୋର୍ଥରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ ଅଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ। ତ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନୋଭେଲକୁ ନେଇ କାମ କରିବାର, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେର ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ କରୁଛୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ ପହଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ କାମ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନାଟକ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ହେଉଛି 16-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।